चलो, हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड कितना भरा हुआ है? H इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक, इतनी बात। लिक्विड क्या है? वाटर है। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक, इतनी बात। अब इसमें एक और काम करा मैं, इसीलिए मैं कलर बदलवा रहा था। नीचे नहीं दिख रहा होगा फिर, है ना? इसमें व्हाइट दिखता है प्रॉपर। अब देखो भाई, ये हमारे पास लिक्विड कितनी हाइट तक, H इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब ध्यान दो यार, अब इसमें हमने क्या करा, एक रॉड यहां पर हिंज कर दी हमने, या प्लैंक, प्लैंक हिंज डेट बॉटम एज। प्लैंक की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। यूनिफॉर्म प्लैंक है और डेंसिटी ऑफ प्लैंक इज 1/2 ग्राम पर सीसी। वुडन प्लैंक है, ठीक है, या किसी भी चीज का बना, उसकी डेंसिटी क्या है? 1/2 ग्राम पर सीसी। अब एक मजेदार बात देखो, ये प्लैंक इस तरीके से रेस्ट पे है, प्लैंक हिंज डेट बॉटम एज एज शोन एट रेस्ट, जैसा दिखा रखा है। ठीक है, ये कुछ एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है? थीटा। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। ठीक है, इतनी बात। हाँ, थीटा इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लेना है, वो एक्सक्लूडेड है। करना चाहोगे? अब मेरी बात सुनो, मैं करा ही दूं, ज्यादा बेटर है। मतलब इस प्लैंक का कुछ हिस्सा बाहर है पानी के, कुछ हिस्सा अंदर है। ठीक, इतनी बात। यहां पर इक्विलिब्रियम में है, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फोर्सेस बनाओ, और अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी क्या होगा? 0 होगा, बस उससे आंसर आ जाएगा। चलो भाई जल्दी, नहीं कर पा रहे हो तो मैं करूं। दिवांस आ गया, आज बहुत दिनों बाद कर रहा है। मेंस का क्वेश्चन एडवांस का है।
कंस्ट्रक्शन कर ले जिसका भी होगा अपने आप हो जाएगा। तो क्या हो गया क्या करेगा उससे, प्लैंक यूनिफॉर्म दे रखा है। अब देख एक मिनट, सबसे पहले देखो इस प्लैंक के बिल्कुल सेंटर से लगेगा MG, हाँ या ना, और जितना हिस्सा ये डूबा हुआ है उसके सेंटर से लगेगा क्या बॉयंसी, मेटा सेंटर वही होता है। ठीक है, मान लेते कितना डूबा हुआ है, एक्स डूबा हुआ है, ये यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है एक्स है। ठीक है, तो एक्स के मतलब इस एक्स के मिड से क्या लगेगा बॉयंसी, तो बॉयंसी कहां से लग गया, यहां से लग गया। और ऊपर की तरफ ऐसे करके क्या रहा होगा एन, हिंज पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, ये रेस्ट पे है तो एन प्लस बी इज इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन तो ये होगी। दूसरा टॉर्क क्या होगा जीरो, तो मैं टॉर्क ही देख लेता हूं पहले इस पॉइंट के अबाउट, हिंज वाले पॉइंट के अबाउट, ये एच है, टाउ नेट इज इक्वल टू व्हाट जीरो, हाँ या ना, तो एन का टॉर्क क्या हो गया जीरो। अब एम जी का टॉर्क देखो बेटा, एक बात बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है वन बाय टू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना वन बाय टू साइन थीटा, हाँ या ना। तो टॉर्क ऑफ, टॉर्क नेट जीरो है तो टॉर्क ऑफ एम जी विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ व्हाट बॉयंसी, ऐसा ही है नहीं, तो टॉर्क ऑफ एम जी कितना हो गया एम जी 0.5 साइन थीटा, यानी कि 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी का टॉर्क क्या होगा, क्या कह रहा है, क्यों भाई साहब क्यों सोच रहे हो ऐसा, अब समझ में आ गया ना 1/2 होना चाहिए, लेंथ तो 1/2 ही है टोटल लेंथ प्लैंक की। देख अब बॉयंसी का टॉर्क ये कितना x/2 है या नहीं है, तो ये इतना सा क्या हो जाएगा x/2 साइन थीटा होगा या नहीं होगा। तो भाई अब हमारे पास क्या आ गया, बॉयंसी का टॉर्क क्या हो गया बी इंटू x/2 साइन थीटा, निकम्मो देखो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये एक बात हो गई कि नहीं हो गई, हाँ या ना। अब हम एक काम करते हैं भाई, एम जी, एम जी इज व्हाट डेंसिटी ऑफ प्लैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, तो डेंसिटी ऑफ प्लैंक इज व्हाट 1/2, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक इज व्हाट a इनटू l, भाई ये वाली लेंथ ठीक है इतनी बात, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, हाँ या ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एरिया ए मान लिया हमने, लेंथ कितनी है 1 है, 1 मीटर दे रखा है शायद देखो, ठीक है, इनटू जी ये आ गया इज इक्वल टू बॉयंसी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ प्लैंक इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक इज इनसाइड इज व्हाट ए इनटू एक्स इनटू व्हाट एक्स, हां या ना, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया इनटू व्हाट जी, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे यस और नो, तो जरा देखो ए जी कट गए कि नहीं कट गए, एक्स आ गया 1/√2, हाँ या ना, निकम्मो ये 1/√2 और ये कितना 1/2, तो ये एंगल कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा इज 1/2 अपॉन 1/√2, कितना आ गया कॉस थीटा 1/√2 आ गया, कितना आ गया थीटा आगे कि नहीं आगे भाई, अरे क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे सब लोग। अब देखो भाई हटा दें इसे, अब हम आते हैं अलग टॉपिक पे, अभी तक हम लिक्विड को रेस्ट पे ही रख रहे थे ज्यादातर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स,
ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, फ्लूइड डायनेमिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड का फ्लो पढ़ेंगे भाई, पाइप में या किसी नदी में या कहीं भी फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात, अब अगर हम फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं तो फ्लो कई टाइप का होता है, ठीक। पहले हम एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लो पढ़ेंगे, जब नॉन आइडियल लिक्विड आएगा तो हम दूसरे टाइप के फ्लो पे चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बात, ठीक। तो सबसे पहले लिखो जरा, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अब टॉपिक क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स है। पहले हम स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है ये जान लें, फिर यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है ये जान लें, उसके बाद हम जानेंगे। अब देखो भाई, स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या होता है। मास्क लगा लो यार, कोई आ गया ना तो तुम निपटा दोगे हमें भी और अपने आप भी निपटोगे। विदाउट मास्क कोई नहीं बैठेगा, इसके बाद नहीं तो नीचे ले जाओ। और भाई जिसको बुखार उखार हो ना मत आया तो साला घर से क्लास कर लो, क्या दिक्कत है। अब देखो भाई, मान लो हमारे पास ये पाइप है, ठीक है। ये पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखो कैसे, पहले बता रहा हूं, मैंने दो टाइप के फ्लो बताया आपको, स्टडी और अनस्टडी। देख रहे हैं, ये पाइप है हमारे पास, ठीक है। इतनी बात, अब इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इतनी बात, तो मैंने इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ा, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। इस पॉइंट ए पे तीन चीजें होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करती हैं फ्लूइड की, एक डेंसिटी या किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के, एक क्या डेंसिटी, एक प्रेशर और एक उस जगह पर वेलोसिटी लिक्विड की। ये तीन चीजें कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेंगी। अब अगर मैं पॉइंट ए पे डेंसिटी मुझे पता है, प्रेशर मुझे पता है, वेलोसिटी मुझे पता है, अब मुझे क्या देखना है, इफ एट पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड, इफ एट पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड, मतलब पॉइंट फिक्स कर रखा है मैंने, ठीक है। इतनी बात, इफ एट पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू जीरो, डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू जीरो एंड डी रो अपॉन डीटी इज इक्वल टू जीरो, देन वी कंक्लूड फ्लो टू बी स्टडी। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदलेगी, प्रेशर समय के साथ नहीं बदलेगा, डेंसिटी समय के साथ नहीं बदलेगी, ठीक है। इतनी बात, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो कहेंगे। एक चीज और, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां पर यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी दोनों अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहां की वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदलेगी और यहां की वेलोसिटी भी समय के साथ, मान लो यहां 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पर कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड अब हमेशा के लिए है, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड क्या हमेशा के लिए, यहां पर प्रेशर अगर 1 एटमोस्फेयर है, यहां पर 1/2 एटमोस्फेयर है, तो प्रेशर हमेशा के लिए वही है। तो अगर समय के साथ वेरिएशन ना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डेंसिटी और वेलोसिटी का, तो हम उसको क्या कहते हैं, कौन सा फ्लो कहते हैं, स्टडी फ्लो कहते हैं। नोट करो इस बकवास को, हो गया भाई, कर लिया।
अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास क्या है, इफ एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड, ठीक है, एनी वन ऑफ देम और ऑल अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन तीनों में से कोई भी एक टाइम का फंक्शन हो जाए, मतलब समय के साथ क्या करे, बदलने लगे, या सारे, तो इसको हम क्या कहेंगे, देन वी कंक्लूड फ्लो टू बी क्या कहलाएगा, फ्लो अनस्टडी कहलाएगा। क्लियर इतनी बात हो गया भाई? मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब मान लो ये पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। लिक्विड अगर इसमें फ्लो कर रहा है एक पॉइंट मैंने ये लिया और एक पॉइंट मैंने ये लिया, दिस इज व्हाट एस सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब इफ डीवी अपॉन डीएस इज इक्वल टू जीरो, मतलब फ्लूइड के फ्लो के अलोंग वेलोसिटी में चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, देन फ्लो इज कैसा फ्लो कहलाएगा, यूनिफॉर्म, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज हो गया, नोट कर लिया, इफ डीवी अपॉन डीएस नॉट इक्वल टू जीरो देन फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। कोई इश्यू है इसमें? अब जो मेन हमें पढ़ना है वो देखते हैं। मतलब तो मैंने आपको फ्लो कैरेक्टरिस्टिक बताई। स्टडी फ्लो का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदलेंगे। अनस्टडी में कोई एक बदल सकता है या सारे बदल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूनिफॉर्म फ्लो में मोशन के साथ फ्लूइड के स्पीड चेंज नहीं करेगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में चेंज करेगी, ठीक है, इतनी बात। अब जो अगला हमें पढ़ना है, दैट इज स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, ये मेन है, इसको ध्यान से देखते हैं। लड़की दरवाजा खोल दे जरा, खोल दे, पूरा खोल दे, कोई बात नहीं। अब पहले एक काम करते हैं, आप जैसे पौधों को पानी देते हो तो आपके पास ये पाइप है, ठीक है, पानी पीछे से आ रहा है, ऐसे ही जाता है, हाँ या ना, ठीक है, आराम से। अगर मैं क्या करूं, मतलब आराम से पानी ऐसे निकलता है, अगर मैं इस क्रॉस से पाइप को दबाना शुरू करूं तो एक बार ऐसे हो जाता है चारों तरफ, पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो और एक और चीज, जब मैं इसे दबाता हूं तो स्पीड पानी की क्या करती है, बढ़ती है, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा आपने भी, हम करेंगे उस बात, ठीक है। तो स्पीड बढ़ते बढ़ते एक ऐसा मोमेंट आता है, स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि पानी कहीं भी इधर उधर भागने लगता है, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज व्हाट टर्बुलेंट फ्लो। उससे पहले तक का फ्लो क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, इतनी बात। अब
तुम दोनों खड़े हो जाओ, जरा यहाँ खड़े हो जाओ, उधर की तरफ मुंह करके। हाँ खड़े हो जाओ, तू भी खड़े हो जा, कोई बात नहीं, उधर की तरफ। हाँ बस अब बाहर निकल जाओ दोनों, दो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, दो और आ जाओ, तू भी आ, तू भी आ। अरे कहीं नहीं भेज रहा इन्हें यार, तू भी आ भाई, इनके पीछे खड़े हो जाओ तुम दो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। हाँ अब तुम दोनों बाहर जाओ पहले। हाँ अब तुम दोनों जाओ, अब आ जाओ, अब एक काम कर, तू भी खड़े हो, अब तुम दोनों इधर आ जाओ, अभी बैठना नहीं, तू आ जा, तू भी आ जा लड़की। अब तीनों लोग एक साथ खड़े हो, ऐसे लाइन में खड़े हो बे, अबे इतना परेशान हो रहे हैं। नहीं एक मोटा होना चाहिए तो बात बनेगी, तो पीछे हो, तू जा लड़की बीच में। कोशिश करो तीनों एक साथ दरवाजे से निकलने चाहिए, करो ना, देख अड़ गए, अड़ गए, एक और भेज दूं तो चार हो जाएंगे, फिर पता क्या होगा, एक ऐसे तिरछा होकर के निकलेगा ऐसे, एक इधर निकलेगा, बीच में से कोई कुछ जाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? अगर क्लास छूटती हो तो ऐसे ही करते हो तुम लोग, बैठ जाओ जरा। मतलब अगर मैं यहां पर एक दो लाइनें बना दूं, एक के पीछे एक खड़ा कर दूं और सबको बोलूं कि आराम से निकलो, तो उस लाइन में जो पहला बंदा निकलेगा एग्जैक्टली उसी पाथ पे उसके पीछे वाला बंदा जाएगा, एग्जैक्टली उसके पीछे वाला उसी पाथ पे उससे पीछे वाला बंदा जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ चार लोगों को खड़ा करूं और चार लाइनें बना दूं और मैं बोलूं अब आप लोग निकलो, तो क्या होगा? दो तो ऐसे निकल रहे होंगे बिल्कुल टेढ़े से किसी तरीके से ऐसे तिरछे होकर के, और बीच वाले भी कुछ ऐसे तिरछे होकर के निकलेंगे। तो जब मैंने चार बंदे इकट्ठा किए ना यहाँ, तो कैसा फ्लो हो गया? टर्बुलेंट हो गया, किसी भी डायरेक्शन में निकल सकते हैं जहां उन्हें जगह मिल जाए। लेकिन जब तक मैंने स्ट्रीम लाइन रखा तब तक क्या कहानी चल रही थी? आराम से दो दो करके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? ठीक है, तो अब जरा देखो, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या? देखो एक मिनट लिखो, सबसे पहले व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो या फ्लूइड फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो, व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो is less than critical velocity, is less than critical velocity, अभी मैंने critical velocity नहीं पढ़ाया है, बाद में पढ़ाएंगे। मैंने क्या कहा? When, क्या कहते हैं? is less than critical velocity, ठीक है, then flow of fluid is streamline। ये सब बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इसमें। फ्लो फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, उससे कम होने पर फ्लूइड का फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन। उससे ज्यादा होने पे क्या है? टर्बुलेंट है। तो वो जो बाउंड्री है दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, इतनी बात। अब निकालेंगे भी क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी नहीं, अगले लेक्चर में। अब क्या कहानी है? मान लो ये पाइप है हमारे पास, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, एक मॉलिक्यूल यहां था लिक्विड का जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, या एक पार्टिकल था लिक्विड का, मॉलिक्यूल हो सकता है H2O मॉलिक्यूल या कोई दूसरा फ्लूइड है तो उसका एटम, जो भी होगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहां था, इस रास्ते को फॉलो करता है, एक बात बताओ, जो मैंने दो वाली लाइन बनाई थी तो एक बंदा जो भी था वो उसी लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा था? ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर पाथ है या नहीं है? ठीक है, तो जिस रास्ते पे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल चलता है उसको हम पाथ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथ लाइन या ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। अगर हम सॉलिड में देखें तो ट्रेजेक्ट्री था, हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो पाथ फॉलोड बाय
पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, पाथ फॉलोड बाय पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ फ्लूइड विद पैसेज ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ फ्लूइड विद पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ जिस रास्ते पे कोई पर्टिकुलर पार्टिकल फ्लूइड का चला, ठीक है, इज कॉल्ड एज पाथ लाइन और ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट पार्टिकल। पाथ लाइन भी उसी पार्टिकल की है भाई वो, ठीक है, पाथ लाइन और ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, इतनी बात। अब देखो एक मिनट, इसी तरीके से दूसरा पार्टिकल होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे कुछ है। तो ये दूसरा वाला इस रास्ते पे गया, भाई सब कर सकती है, लेकिन अभी हम गैस नहीं पढ़ रहे, लिक्विड की बात कर, अभी बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में, परेशान ना हो। हाँ, फ्लूइड गैस भी होता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना। तो अब फैमिली ऑफ पाथ लाइंस, अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स की पाथ लाइन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ पाथ लाइंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ पाथ लाइंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। चलो, मैंने क्या कहा, क्या लिखा था, पिक्टोरियल, सुनो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ पाथ लाइंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंस, ये कहा था मैंने, ठीक है भाई, इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंस, लिख लिया भाई सबने। चलो अब मेरी बात सुनो, इतनी बात हो गई। अब आप यहां पर देखो, अगर इस रास्ते पे ये वाला पार्टिकल चल रहा है, मतलब ये वाला पार्टिकल, पार्टिकल वन इज गोइंग ऑन दिस पाथ, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पढ़ा था कि जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है उस पाथ के टेंजेंट हमें वेलोसिटी का क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है उस पॉइंट पे, हाँ या ना। तो अगर मैं क्या जानना चाहता हूँ, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जानना चाहता हूँ या उसका डायरेक्शन जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे जानना चाहता हूं तो मैं इस जगह पे क्या बनाऊंगा, टेंजेंट। तो यहां पर मुझे वेलोसिटी मिल गई इस पार्टिकल की, यहां पर टेंजेंट बनाता हूं तो ये ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। तो जो पाथ लाइन होती है उसके किसी भी जगह पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको क्या देगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो टेंजेंट टू पाथ लाइन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट टू पाथ लाइन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट gives direction of velocity vector at that particular point, yes or no? Yes, बात समझ में आती है, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी भी जगह पर इस पाथ लाइन पे टेंजेंट बनाऊं, मतलब यहां बनाता हूं, मान लो एक पर्टिकुलर पार्टिकल था जो इस रास्ते पे गया, तो उसकी जरा देखो यहां पर वेलोसिटी कैसी है, ऐसे,
यहां पर कैसे ऐसे और यहां पर कैसे ऐसे, हर जगह वेलोसिटी अलग अलग है कि नहीं है? डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले अभी देख लेंगे, तो क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि पाथ लाइन के अगर हम टेंजेंट बनाते किसी जगह पर, तो उस जगह पर उस पार्टिकल की क्या मिलेगी मुझे, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि पाइप मोटी है और आगे जाकर के पतली हो रही है, तो जहां पर पाइप मोटी होगी वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम, और जहां पतली होती है, आपने खुद पौधे को पानी डालो, जैसे जैसे आप पाइप को दबाते हो स्पीड क्या करती है, बढ़ती है। तो एक चीज देखो, यहां पर स्ट्रीम लाइंस मतलब पाथ लाइंस की डेंसिटी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने बड़े एरिया में, और यहां पर ये 6 हैं छोटे एरिया में, हाँ या ना? तो डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइंस कहां पर ज्यादा है, बाद में, शुरू में क्या है, कम है, और जहां पर डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइंस ज्यादा है वहां पर फ्लूइड की स्पीड भी क्या है, ज्यादा है। तो लिखो जरा, लिखो स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, नहीं ऐसा मत लिखो, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ पाथ लाइंस एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ पाथ लाइंस एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ गई? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, हाँ या ना? जहां एरिया बड़ा है वहां डेंसिटी अपने आप क्या हो गई, कम। अरे निकम्मो, हाँ या ना? ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे देखो यहाँ एरिया बड़ा था तो डेंसिटी क्या हो गई, कम। डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड क्या हो गई, और मर गया तुम, गला दबा दो तुम्हारा बेवकूफ। डेंसिटी कम है तो स्पीड भी क्या है, कम है, और डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, ठीक है। इतनी बात हो गई। एक और चीज, जब मैं यहाँ लाइन बनवा रहा था तो एक बात, तो इस वन वाले के पीछे भी कोई पार्टिकल रहा होगा, उसके पीछे भी कोई रहा होगा, या इसको माने वन, तो इसके पीछे ये पार्टिकल्स हैं। तो जिस रास्ते पे ये वाला गया उसी रास्ते पे ये भी चलेगा, उसी रास्ते पे ये भी चलेगा, उसी रास्ते पे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ या ना? तो स्ट्रीम लाइन का खेल क्या है कि अगर कोई एक पार्टिकल किसी रास्ते को चूज करता है तो उसके पीछे वाले पार्टिकल्स उसी रास्ते को क्या करेंगे, चूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो लिखो इफ एनी पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल, फॉलोज गिवन पाथ लाइन, then successive particles will also follow same path line, ठीक है भाई, ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या है, नो टू पाथ लाइन्स कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, भाई कई बार वर्ड पाथ लाइन्स की जगह क्या होगा, स्ट्रीम लाइन्स होगा, तो एक ही बात मान के चलना सब जगह, ठीक है। नो टू पाथ लाइन्स कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, नो टू पाथ लाइन्स कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर इन स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखो भाई, अगर एक पाथ लाइन ये है और एक पाथ लाइन ये है और ये इंटरसेक्ट कर गए मान लो, तो एक बात बताओ, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ वहां पर दो टेंजेंट बन रहे कि नहीं बन रहे, यानी कि इस जगह पे जो पार्टिकल है उसकी दो वेलोसिटी है, ऐसा होता ही नहीं। अगर मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल हूं तो मेरी दो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता आधा इधर चला जाए आधा इधर चला जाए,
वो नहीं हो सकता, ठीक है इतनी बात तो लिखो जरा। मैंने क्या लिखा, नो टू पाथ लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यूरिंग स्ट्रीम लाइन फ्लो। किसमें? टर्बुलेंट मैंने पढ़ा है, मैंने क्या बोला, स्ट्रीम लाइन। अभी हम सिर्फ स्ट्रीम लाइन के लिए चल रहे हैं, ठीक है, हम टर्बुलेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ते ही नहीं 11, 12 में टर्बुलेंट, ठीक है। अब लिखो जरा, और ज्यादातर कौन पढ़ता है, मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ते हैं, बाकी तो कोई पढ़ता ही नहीं बाद में। लिखो जरा, क्या कह रहा था मैं, नो टू स्ट्रीम लाइन कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर स्ट्रीम लाइन। लिखो, ये डायग्राम बना लोगे आप जो मैंने दो लाइन ऐसे बनाई है टेंजेंट में। लिखो लिखो, एज इट इज क्लियर दैट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल, देर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल। दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? बट velocity of any fluid particle must be unique. अरे भाई, लेकिन velocity तो किसी fluid particle की unique ही होगी ना, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता है, but velocity of any fluid particle must be unique. ठीक है इतनी बात, velocity of fluid particle must be unique. वंदना मैंने क्या क्या लिखा भाई, जरा बताना यार। सत्यम लिखा, एक मिनट, लाला मुझे दे दे। मैंने क्या लिखा, एज इट इज क्लियर दैट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल, बट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट बी यूनिक। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब सुनो भाई, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, या ऐसा भी एक चीज है, अगर ये कोई मान लो ये कोई हमारे पास स्ट्रीम लाइन है, अचानक ऐसे मुड़ गई, ये भी स्ट्रीम लाइन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखो एक मिनट, अगर मैं इस जगह पे टेंजेंट बनाता हूं तो देखो, एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगा और एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगा, मतलब शार्प टर्न्स भी नहीं हो सकते, सेम रीजन। तो लिखो जरा, स्ट्रीम लाइन्स और पाथ लाइन्स कैन नॉट हैव शार्प टर्न, रीजन एज अबव, हाँ या ना, स्ट्रीम लाइन्स और पाथ लाइन्स कैन नॉट हैव शार्प टर्न्स, रीजन एज अबव। अरे निकम्मो, हाँ या ना। अब लिखो जरा, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, अब लिखो, व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी मैंने क्रिटिकल निकलवाया नहीं है भाई, ठीक है, हम अगली क्लास में या नॉन आइडियल जब पढ़ेंगे तब निकालेंगे। व्हेन स्पीड ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन, एक ही बात है यार, फ्लो या फ्लूइड की बात, व्हेन स्पीड ऑफ फ्लो या फ्लूइड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन पाथ लाइंस मर्ज और इंटरसेक्ट विद ईच अदर, रैंडम सा मोशन हो जाएगा, दैट इज मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी, मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी इररेगुलर एंड रैंडम। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी जा सकता पानी। यार सबसे बढ़िया होता था स्कूल में, जब स्कूल के नल ज्यादातर खराब ही होते थे ना, तो हम ऑन करें तो कहीं से ही पानी निकलने लगता था, कपड़े गीले हो जाते थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और घर पे नल ऑन करो तो प्रॉपर आराम से पानी निकलता है ना। तो या आप एक काम करो,
आप स्पीड तेज करो, नीचे ऐसे नहीं निकलता चारों तरफ, तो वो टर्बुलेंट हो जाता है। जब तक आप स्पीड कम रखोगे तब तक क्या रहता है, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। अब हमें टर्बुलेंट पढ़ना ही नहीं होता है, ठीक है, इतनी बात। तो हम टर्बुलेंट तो हम पढ़ेंगे भी नहीं 11th 12th में। अब लिखो जरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, हम जो भी रिजल्ट्स अभी डिराइव कर रहे हैं दोज आर ऑल फॉर व्हाट, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो लिखो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, हम और कोई फ्लो पढ़ने वाले नहीं है, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली स्ट्रीमलाइन फ्लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे पास ये पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसे। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में तो जितना पानी यहां से निकलेगा उतना यहां से क्या कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, कोई भी फ्लूइड हो। ठीक है, तो अगर पाइप में पानी भरा हुआ है, पीछे से आ रहा है और आगे से निकल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पाइप में पानी तो भरा ही हुआ है, तो जितना आया उतना उधर से क्या करा होगा, निकला होगा। यानी कि रेट ऑफ इनकमिंग मास ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ आउटगोइंग मास ऑफ द फ्लूइड। हाँ या ना, या हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। हाँ या ना, तो लिखो जरा, लिखो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इक्वेशन किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं इसी कमरे में अगर मैं दो वाली लाइन बनाऊं और उधर से इधर से दो लोग निकलें और उधर से दो लोग आना शुरू करें, तो इसमें क्या रहेगा, अमाउंट फिक्स रहेगा। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कह रहा हूं मैं, इट इज बेस्ड ऑन क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखो जरा, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज कॉन्स्टेंट इन फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज कॉन्स्टेंट इन फ्लूइड। फ्लूइड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास क्या है, कॉन्स्टेंट है, जितना आया उतना उधर से निकल गया। तो मैंने क्या करा, कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पकड़ा यहां, क्रॉस सेक्शन एरिया एक्स, सॉरी ए, ये डीएक्स, ठीक है, और डेंसिटी यहां पर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, डीएम बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, ऐसे ही कह रहा हूं, जितना यहां पर एंटर करेगा उतना ही आगे चला जाएगा, यह सुनो। ठीक है, अब डीएम इज रो ए डीएक्स बाई डी टी। अरे निकम्मो, सही कह रहा हूं मैं, अरे यार डीएम इज व्हाट, डेंसिटी रो इनटू डीवी, एंड डीवी इज व्हाट, एडीएक्स। ठीक है, अब डीएक्स बाय डीटी क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्पीड होगी लिक्विड की, तो क्या कर दिया हमने, दिस इज रो ए वी इज इक्वल टू हाँ या ना, रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पक्का क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, मान लो यहां पर डेंसिटी रो वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन, और स्पीड कितनी वी वन, यहां पर डेंसिटी रो टू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू, और स्पीड कितनी वी टू, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये तो प्रूव कर दिया मैंने, रो ए वी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट।
तो रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। हमें क्या दिया जाएगा मैक्सिमम टाइम्स, ज्यादातर बार हमें क्या दिया जाएगा कि डेंसिटी थ्रू आउट क्या है कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो डेंसिटी यहां जाकर के क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज व्हाट कांस्टेंट, कट कैसे जाएगा लड़की, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नया कांस्टेंट, ठीक है इतनी बात। अब ए डी एक्स इज व्हाट डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, कहोगे कि नहीं कहोगे, ये डीवी बाई डीटी क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हाँ या ना, जितना वॉल्यूम अंदर आया उतना ही बाहर निकला, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे रेट ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, लेकिन तब जब डेंसिटी क्या है, हे भगवान, और इससे एक और चीज आ रही है, आप यहीं पर देखो क्या आ रहा है, ये ए डी एक्स बाई डी टी था, तो क्या हो जाएगा यानी कि a इंटू वी इज इक्वल टू व्हाट, हम ये कह सकते हैं किसी भी जगह पर a1 v1 इज इक्वल टू व्हाट इन अ गिवन पाइप फॉर अ गिवन फ्लूइड, यस और नो, तो अगर डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग है तो ये वाली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और सेम है तो ये वाली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्लियर है, हो गया भाई, नोट करो इस बकवास को, बता मुझे बता ना, मैं बताता हूँ, हाँ बोल बोल, किसके वाटर के मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या होता है वी डीएम बाई डी टी होता है ना, वी डीएम होता है ना, ठीक है, फोर्स हो जाएगा वी डीएम बाई डी टी, तो ठीक है, अब वी डीएम मोमेंटम होता है, और ये क्या था रो ए डी एक्स, ये कह सकते हो आप मोमेंटम, ठीक है इतनी बात, अरे यार रो ए डी एक्स इज व्हाट डीएम इनटू वी, अगर आप फोर्स निकालना चाहोगे बाई डी टी कर दोगे तो क्या आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर, ठीक है इतनी बात, पावर निकालना चाहोगे तो रो ए वी क्यूब, ठीक है मैंने पहले कराया हुआ है शायद, आगे देखो भाई, वो भी आ गया वेलोसिटी इनवर्स में प्रोसीड हो, हां वो तो आना ही था, गायब थोड़ी हो जाता, वो तो यहीं साथ था, हो गया भाई, एक्चुअल में हम यहां पर फोर्स इन सबके टर्म्स में नहीं पढ़ते, फ्लूइड में किसके टर्म में पढ़ते हैं, प्रेशर के टर्म में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं मोमेंटम वगैरह उस पर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूं। अब ये कहानी हो गई, अब लिखो जरा एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, मान लो हमारा रेफरेंस लेवल है या ग्राउंड है, ये अपने पास कोई पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है इतनी बात। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है इतनी बात, तो एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और एक प्रेशर की एनर्जी, लिक्विड ऐसे चढ़ रहा है
तो कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, प्रेशर या फोर्स ही चढ़ा रहा है, ठीक है। इतनी बात, तो उसकी एनर्जी, तीन टाइप की एनर्जी होती है। तो सबसे पहले लिखो, लिखो काइनेटिक एनर्जी, मान लो मैंने ये क्रॉस सेक्शन पकड़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये dx, मास कितना dm, डेंसिटी कितनी रो, और इस जगह पर स्पीड कितनी v, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, मतलब dk ही लूंगा क्योंकि मैं छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो dk हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो, कोई इशू है इसमें, ठीक है। अब आप क्या करो, पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, क्या कर दो, पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी कि अपॉन ए डी एक्स कर दो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डी के अपॉन डी वी, बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम will be half rho v square, यूनिट भी बदल गई इसकी, क्या हो गई, जूल पर मीटर क्यूब, निकम्मो, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट कर दो, पर यूनिट वेट, दैट इज, सुनते जाओ डी के अपॉन डीएम इंटू जी, वेट तो यही हुआ ना, तो डीएम से डीएम कट गया, कितना आ गया, वी स्क्वायर बाय टू जी, क्या हो गए, वी स्क्वायर बाय टू जी, हाँ या ना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या थी, जूल्स, इसकी क्या है, इसकी मीटर, कि जूल पर न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। कभी देखना, जो उसमें वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, वो बात ऐसे करते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, या क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन हेड, वो ऐसी बात करेंगे कभी भी, मतलब उनका जे या ए ना, उससे बात करना बोलेगा, वो टैंक वहां था, उसका ग्रेविटेशन हेड इतना था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। अब ये आ गया, तो इसका क्या है, वेलोसिटी हेड इज व्हाट, वी स्क्वायर बाय 2g। अब इसके बाद, अब आ जाए पोटेंशियल एनर्जी पे, मिटा दूं ये सब ड्रामा, जो भी हेड होगा हमेशा वो हाइट के टर्म्स में होता है, देखो मीटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी सारे हेड देखना हाइट में ही आएंगे, मतलब मीटर्स में ही आएंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज, रेफरेंस लेवल ये है, मान लो कितना ऊपर है, एच, तो कितना हो गया डी एम जी एच, हाँ या ना, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच, जूल पर मीटर क्यूब, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। मैं सिर्फ एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, कि मैं जो हमने एमजीएच पढ़ा था उसी को पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट एच आया कि नहीं आया, डीएमजी डीएमजी कट गया, इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन हेड,
और इसकी यूनिट भी क्या आ रही है, मीटर से आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? वो तो जितने भी हेड आएंगे वो मीटर में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? इतनी बात। आगे बात करें, अब लिखो प्रेशर हेड, प्रेशर एनर्जी, सॉरी प्रेशर एनर्जी लिखें भाई। तो हमने स्पिन कराना तो सीख लिया था ना बॉल का, अब हम बॉल स्विंग कैसे करती है वो सीखेंगे। मतलब पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर पे बॉल स्विंग करी नहीं है, स्विंग कहाँ हुई बॉल? वो तो डेविएशन हो गया बॉल का, वो स्विंग नहीं हुआ। स्विंग तो हवा में होता है बढ़िया से, मतलब हाँ अब हुआ नहीं वो अलग बात है, लेकिन मतलब औकात ही ना रह गई हमारे बॉलरों की, सब निकम्मे हैं, ना बैट्समैन बढ़िया ना बॉलर बढ़िया है, तभी हारे हो। क्या चीज भाई? नहीं सर, पिंक बोल रही थी स्विंग, लाल वाली से खेला हमने टेस्ट मैच। अरे पहला खेला निकम्मे, ठीक है, सबसे ज्यादा लाल स्विंग करती है यार। एक बात बता, आज से 10 साल पहले का मैच देख ले, और या 10 साल भी नहीं, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, कभी वसीम अकरम या वकार यूनुस को टेंडम में बॉलिंग करते देख लो आप, मतलब वो लगता है कि हाँ अब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, मतलब बैट्समैन बेचारा डरता रहता पूरे टाइम कि किधर से निकलेगी कहाँ जाएगी, वो है ही नहीं, वो थोड़ा सा कमेंस बस एक पर्टिकुलर लेंथ पे डाल रहा है बॉल, वही बस एक फायदा उठा रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। मतलब बेचारा वो तो चला ही नहीं स्टार्क, तो पिट गया इस बार लास्ट में, तो और पिट गया फालतू में। बढ़िया बॉलर है वो, स्विंग करा सकता है, उसमें है पेस, खत्म हो गया, पता नहीं क्या करा उसने, मतलब बिल्कुल ही क्रिकेट का स्टैंडर्ड डाउन हो गया भाई, मजा नहीं आता। बैटिंग भी ऐसी है भाई, किसी ने खेली नहीं ना वाली बॉलिंग अभी, मतलब तो रोहित शर्मा को देख, रन बने रोहित शर्मा से? रोहित शर्मा का जो भी रिकॉर्ड है वो इंडिया के अंदर है या एशिया में है, अब तो उसे बाहर खिला ले कहीं इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, कोहली और रहाणे दोनों का ही ठीक है बाहर, पिच अबे वर्ल्ड कप में जब वनडे होता है ना तो पिच ऐसी बनाई जाती है कि उसमें बस कुछ भी कर लो, साला 400 रन मारो कुछ नहीं हो रहा है। पांचवे दिन स्पिनरों के लिए खतरनाक होती है, फास्ट बॉलर के लिए तो कुछ ना होता उसमें, मर जाता हूँ बिल्कुल। अब देखो भाई, अब लिखो, मतलब बिल्कुल बुरा स्तर है क्रिकेट का इस वक्त, कहाँ यार कुछ भी तो ना दिखता है, मतलब डेडिकेशन ज्यादा, मतलब 6 बॉल में कोई एक आधी बॉल ऐसी लगती है टेस्ट मैच में जिसमें बैट्समैन को थोड़ा तंगी हो रही है। पहले साला 6 की 6 बॉल ऐसी होती थी कि बैट्समैन परेशान होता रहता था, क्या हो रहा है, अब नहीं है ऐसा। ये जिस पिच पे अभी मैच हुआ था ना, इस पिच पे बॉल बहुत बढ़िया स्विंग करता था, इस बार कुछ ना किया है। गाबा और वाका में सबसे ज्यादा स्विंग होता है, लेकिन खत्म हो गया, कुछ बना ही नहीं। अब देखो भाई, प्रेशर एनर्जी इसको किससे डिनोट करें, डी ई, यार ई से तो उसको करेंगे, इसको किससे करें भाई, डी पी तो प्रेशर हो जाएगा, किससे डिनोट करें इसे, क्या करें, क्यू से कर लेते हैं, क्यू से कर लेते हैं, सही कह रही, डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी, यही होगा कि नहीं होगा भाई? प्रेशर का वर्क तो यही होता है, पी डी वी, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर मान लो कितना है, पी है, ठीक है, अब मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर क्या है, पी है, तो वर्क एनर्जी क्या होगी, पी डी वी। अब हमने दूसरा क्या निकाला था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा इसकी यूनिट क्या, जूल, और इसकी क्या, जूल पर मीटर क्यूब, अपने आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देख लो चाहे, ठीक है, तो क्या आ गया। इसके बाद पर यूनिट वेट ऐसा ही था, डी क्यूब बाय डी एम जी, काम करो यार, इस v को dv को नीचे ले आओ, dm by dv will be what, rho, dm by dv क्या हो जाएगा, rho हो जाएगा, तो this is now what,
पी अपॉन रो जी। एक बात बताओ, प्रेशर वैसे क्या होता था, रो जी एच होता था ना, तो ये भी क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर में आ गई कि नहीं आ गई। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड, क्या कहेंगे। तो सारे हेड किस में है, मीटर्स में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। चलो आज इतना ही करो, कल बर्नौली पाएंगे, तब स्विंग वगैरह की बात करेंगे अभी।